तो ये हमारा रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर चिली की रेसिपी बनके तैयार है। इस रेसिपी के लिए हमने एक शिमला मिर्च को इस प्रकार से काटा है और 100 ग्राम के आसपास पनीर के टुकड़े लिए हैं और प्याज और एक इंच अदरक का टुकड़ा, 5 से 6 लहसुन की कलियां, थोड़ी सी हरी धनिया और 2 से 3 हरी मिर्च हमने लिया है। और उसके लिए मैंने मैदा लगभग 2 चम्मच लिया है, उसमें ये लगभग 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल के इसे अच्छे से मिला लेंगे और इसमें थोड़ी सी हम नमक ऐड कर लेंगे। तो नमक ऐड करके इसे अच्छे से मिला लेंगे। उसके बाद हमारा जो पनीर का ये टुकड़ा है हम इस पर लपेट के इसे कोटिंग कर देंगे। इसकी कोटिंग करने से इसे जब फ्राई करेंगे तो ये बहुत ही क्रंचीनेस आएगा इसमें। तो इसी प्रकार से हमने सारे पनीर के टुकड़े को इस प्रकार से इसे कोटिंग कर दिया इस मैदे के मिश्रण से। तो ये देखिए हमारा ये फाइनली सारे पनीर के टुकड़ों को हमने इस प्रकार से कोट कर लिया है। तो ये हमने मैदे के घोल बनाया लगभग 1 चम्मच मैदे से। तो अब हम एक फ्राई पैन लेंगे और उस फ्राई पैन में सारे पनीर के टुकड़े को जो हमने कोटिंग करके रखा था तो उसे हम इस प्रकार से तल लेंगे मीडियम फ्लेम पे। आप अपने घर पे इस पनीर चिली की रेसिपी को बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाएंगे और आपको भी स्वाद लगेगी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। तो हमने इसी प्रकार से ये देखिए बिल्कुल फ्राई हो गया है, डीप फ्राई। तो अब हम इसे निकाल लेंगे। आपको थोड़ी सी कम फ्राई पसंद हो तो थोड़ा कम फ्राई करें। तो अब हमने सारे तेल को निकाल के थोड़ी सी इसमें तेल रखा है और उसके बाद हम यहाँ पे शिमला मिर्च डालेंगे इसमें और शिमला मिर्च को डाल के हम इसे मिलाएंगे। उसके बाद हमने प्याज और हरी मिर्च हमने 2 से 3 जो काटा था उसे हम डालेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें डाल देंगे जो कि हमने घिस के रखा था। तो अब इसी प्रकार से हम इसे भी फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा फ्राई हो गया है। तो हम ज़्यादा इसे नहीं पकाएंगे, अब हम इसमें ये जो हमारा है सोया सॉस उसमें ऐड करेंगे। इसकी मात्रा ये लगभग हमने 2-2 चम्मच लिया है और ये टमाटो केचप है इसे भी हमने लगभग 2 चम्मच के आसपास लिया है। सारे सॉस को लगभग हम बराबर लेंगे और ये हमारा जो ग्रीन चिली सॉस है उसे भी डाल के इसे अच्छे से मिला लेंगे हम। तो इसी प्रकार से ये देखिए कितना बढ़िया ये लग रहा है। तो इसे मिलाने के बाद अब हम यहाँ पे थोड़ी सी विनेगर ऐड करेंगे। विनेगर हमने लगभग वही 1 से 1.5 चम्मच के आसपास इसमें ऐड किया है क्योंकि इसमें जो थोड़ी सी खटास जो आएगी इस विनेगर से ही आएगी और इसका जो स्वाद है बहुत ही बढ़िया ये बनाता है। ये विनेगर जो आपको किसी भी किराने दुकान से बिल्कुल आसानी से मिल जाएगा। तो ये देखिए अब हम यहाँ पे थोड़ी सी नमक ऐड कर लेंगे इसमें क्योंकि सोया सॉस जो होता है उसमें नमक ऑलरेडी होता है तो उसी हिसाब से आप नमक थोड़ी सी डालें नहीं तो नमक ज़्यादा हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे मैदे का जो घोल हमने तैयार किया था उसे यहाँ पे हमने डाला है। आप चाहे तो इसकी जगह कॉर्नफ्लावर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने यहाँ पे अपने घरों में मैदे के घोल से ही इसे बनाया है। तो मैदे तो बहुत ही आसानी से सबके घर में रहते हैं इसी प्रकार से तो हमने बनाया है इसी से। तो अब हम यहाँ पे पानी डाल के इसे फ्लेम को हम थोड़ा तेज़ कर देंगे ताकि ये अच्छे से बहुत ही बढ़िया से ये सेट हो सके। और यहाँ पे हमने हरी धनिया ऐड कर लिया है और इसे भी लगभग 1 से 2 मिनट तक पका लेंगे। तो सोया सॉस हमने यहाँ पे थोड़ी सी और ऐड कर लिया है, थोड़ी सी हमें कम लग रही थी तो थोड़ी सी मात्रा हमने यहाँ पे और बढ़ा दी है ताकि इसका जो रेस्टोरेंट वाली जो कालापन जो इसका दिखता है वो इसमें आ जाए। तो ये देखिए अब कितना बढ़िया इसका कलर हो गया है। तो इसी प्रकार से आप भी अपने घर पे इस पनीर चिली की रेसिपी को बनाएं। तो ये देखिए अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं, कितना बढ़िया इसका ग्रेवी बना है। अब ग्रेवी कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, जो देखने से लग रहा है ना बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। तो आप भी अपने घर पे इस पनीर चिली की रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें
और अपने मेहमानों को खिलाएं। ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर चिली की रेसिपी को। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी रेसिपी फ्रेंड्स, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और हमारे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि इसी तरह की रेसिपी आपको आगे भी मिलती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी तरह की रेसिपी आपको आगे भी मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।